आज मैं आपके सामने मल्टीमीटर से संबंधित एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, जो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है, ये डीसी और एसी जो वोल्टेज होती है उसमें वैल्यू जो आती है वो गलत दिखा रहा है। एसी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसी की प्रॉब्लम जो है हमारी, जब हम एसी वोल्टेज को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम जो है आती है कि ये वोल्टेज डाउन और अप, डाउन अप डाउन अप, इसकी वोल्टेज चल रही है। कभी ये 230 दिखाता है तो कभी 235, 240 और कभी 200, कभी 135, ऐसे करके वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब अलग अलग नंबरिंग से जो है इसको शो कर रहा है वोल्टेज को। तो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं? और डीसी की प्रॉब्लम हमारी याद है कि जब हम डीसी को 200 पे जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 200 पे जब हम मेजरमेंट करते हैं इसको, और 200 पे जब हम नाप रहे हैं डीसी को, तो वो अगर हम कोई भी बैटरी है, मान लीजिए हमारे पास बैटरी है 3 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि इस मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, इसको हम मेजरमेंट करते हैं तो ये वोल्टेज गलत दिखा रहा है। और एक प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, डीसी वोल्टेज चाहे एसी वोल्टेज हो, कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, आप वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज एसी की वोल्टेज और डीसी की वोल्टेज जो है वो गलत शो कर रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है कहाँ से आ रही है? और वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, कोई सी भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने पहले से खोल रखा है, तो पहले इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट दरअसल उखड़ चुका है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही कुछ हैवी आयरन यूज़ किया था, 60 वाट का आयरन यूज़ किया, तो जिसकी वजह से इसका प्रिंट उखड़ गया। तो आप लोग को मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग 15 वाट का जो आयरन है या फिर 25 वाट का आयरन है वो इस्तेमाल करें, इसे इस्तेमाल करने के लिए, इसे लगाने के लिए, तो वो उखड़ेगा नहीं प्रिंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रिंट था, यहाँ पर जो प्रिंट का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो 9000 कुछ का था, 9000 उसकी वैल्यू थी, तो इससे वो 900 ओम्स का रेजिस्टेंस था वो। तो 900 ओम का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगा दोगे तो ये जो प्रॉब्लम है वोल्टेज शो नहीं करने की और वोल्टेज गलत दिखाने की, ये दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी, ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, मल्टीमीटर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास जो है, और हाँ, अगर आपके पास मैं रेजिस्टेंस ये है, SMD रेजिस्टेंस नहीं है, वैसे मिलेगा नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पास ये रेजिस्टेंस जरूर होंगे, बैंड रेजिस्टेंस जो होता है, ये बैंड वाले आप इनको लगा सकते हैं। तो ये 480 का एक रेजिस्टेंस, 480 ओम का रेजिस्टेंस होता है एक, तो आप इनको दोनों को सीरीज में ऐसे लगा दिए जैसे मैंने लगाया, ऐसे लगा कर आप यहाँ पर से मोड़ कर ऐसे करके, और यहाँ पर आपसे सोल्ड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे सोल्ड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा ऐसा ही बोर्ड पड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ सोल्ड करना है इसे। तो ये जो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पुराना बोर्ड है, सेम यही बोर्ड है, कोई अलग बोर्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर आपको लगाना है, यहाँ पर एक जो इसका लेग है रेजिस्टेंस का, आपको यहाँ पर लगाना है, ऐसे करके आपको जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़ने के बाद आप यहाँ पर ऐसे जोड़ दोगे, सोल्ड कर दोगे, तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी वोल्टेज शो नहीं करना है और वोल्टेज गलत दिखा रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो। ये छोटे मोटे फॉल्ट्स आप खुद ही आप जो है ठीक कर सकते हो, मल्टीमीटर को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग मल्टीमीटर रिपेयर करना सीख जाएंगे और आप मल्टीमीटर को आप फेंकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो फेक नहीं है और रियल वीडियो है। बस ये है कि थोड़ी सी इसमें प्रिंट जो है इसकी उखड़ चुकी है, तो मैं इसको मुझे काफ़ी ज़्यादा से खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो तार जोड़ेंगे, जो मैं इसके लग्स जोड़ूंगा वो एक जो मैंने आपको बताया कि प्रिंट जो है उखड़ चुका है इसका, तो मैं इसका अलग से चम्पर दे के जोड़ूंगा। तो आपको अगर आपका मल्टीमीटर का प्रिंट नहीं उखड़ा है तो आप यहाँ पर से जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ पे जोड़ दोगे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी।